आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट जुपिटर एक यंग प्लैनेट हुआ करता था और ब्रह्मांड में अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहा था, उस समय जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार बढ़ते बढ़ते 30 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया और इसी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव ने जुपिटर के आसपास के प्लैनेट को कांस्टेंट अपनी तरफ खींचने लगा, जिनमें से कुछ आकार में छोटे प्लैनेट सीधा आके जुपिटर से टकरा गया। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि उन सब प्लैनेट में एक ऐसा प्लैनेट भी शामिल था जिसका कोर सिलिकेट आइस से बना हुआ था और जिसका आकार हमारे धरती से भी 10 गुना अधिक था, और इसके साथ जुपिटर के टक्कर होते ही ब्रह्मांड में हलचल मच गई। इसने जुपिटर के कोर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इस अननोन प्लैनेट ने जुपिटर की ओर 36 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टकराया था, जिसके चलते जुपिटर का मास थोड़ा कम हो गया, पर इस टक्कर का प्रभाव जाके पड़ा जुपिटर के कोर में। इस टक्कर से पहले जुपिटर का कोर डेंस हेवी मेटल से बना हुआ था, पर जैसे ही टक्कर हुआ तो वो सिलिकेट आइस कोर प्लैनेट पूरी तरह जुपिटर के अंदर मर्ज हो गया और इसीलिए जुपिटर का कोर बहुत ही ज्यादा पतला हो गया। अगर ऐसा ही एक टक्कर ब्रह्मांड के धरती और जुपिटर के बीच होता तो इसका नतीजा क्या निकलता, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में धरती और जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर कभी इन प्लैनेट्स की ग्रेविटी इन्हीं से धोखा कर जाए तो नतीजे के तौर पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाले जुपिटर धरती को अपनी तरफ खींचने लगेगा। जुपिटर अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये आउटर सोलर सिस्टम से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को अपने ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रखते हैं और इनर सोलर सिस्टम की तरफ आने वाले ऑब्जेक्ट्स को भी अक्सर अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जुपिटर का मास सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के टोटल मास से भी 2.5 गुना ज्यादा है और धरती से 318 गुना बड़ा है। धरती जुपिटर के सामने इतना छोटा है कि जुपिटर के अंदर कुल 1300 पृथ्वी आसानी से समा सकता है। धरती 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सूरज का चक्कर लगाती है और अगर इसी सेम स्पीड से ये जुपिटर की तरफ आगे बढ़ती है तो इसे जुपिटर तक पहुँचने में 242 दिन तक का सफर तय करना पड़ेगा। धरती जितना इसके करीब जाएगा जुपिटर हमें उतना ही चमकता हुआ दिखाई देगा। जुपिटर की तरफ अपने यात्रा को शुरू करने के ठीक 6 दिन बाद आसमान से जुपिटर हमारे चंद्रमा के आकार की तरह दिखेगा और जल्द ही हम अपने दिन के उजाले को धुंधला होते हुए देखेंगे। इस जर्नी के चलते जैसे ही धरती मार्स के ऑर्बिट में होगा तब धरती को पहले का सिर्फ 50% ही सनलाइट मिलेगा। इस समय धरती में बसे लोगों को बहुत ही ज्यादा ठंड महसूस होगी क्योंकि मार्स का औसतन तापमान -63 डिग्री सेल्सियस है और लगभग इतना ही टेम्परेचर तब धरती पे भी होगा। जैसे ही हम मार्स के ऑर्बिट को क्रॉस करेंगे तब हमारे धरती को एस्ट्रॉइड बेल्ट से गुजरना होगा। ऐसे में धरती के साथ लाखों करोड़ों एस्ट्रॉइड में से किसी एक के साथ टकराने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहेगी, लेकिन इसी समय आसमान में हमें लाखों करोड़ों एस्ट्रॉइड भी दिखाई देंगे क्योंकि एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद सारे एस्ट्रॉइड हमारे आसमान में बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। जैसे जैसे धरती जुपिटर के पास बढ़ती जाएगी जुपिटर धरती को तेजी से अपनी तरफ खींचने लगेगा, जिस वजह से धरती की स्पीड 29 किलोमीटर से बढ़के 60 किलोमीटर पर सेकंड का रफ्तार पकड़ लेगा। ये स्पीड एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के मुकाबले 250 गुना ज्यादा है। धरती का स्पीड अचानक बढ़ने की वजह से खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि जुपिटर के पास 79 मून्स है जो हमेशा जुपिटर का चक्कर काटता है, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि इनमें से ही किसी एक के साथ धरती की टक्कर हो जाए। लेकिन अगर जुपिटर के सभी मून से धरती बच भी गया तो तब तो कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने वाला है क्योंकि जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल होते ही इसका ग्रेविटेशनल पुल हमारे धरती के टाइड्स को 10 गुना तक बढ़ा देगी। महासागरों में बहुत बड़ी सुनामी भी देखने मिलेगा। टक्कर के लगभग 28 घंटे पहले जुपिटर की ग्रेविटी धरती के अंदर की चीजों को अपनी ओर खींचने लगेगा। धरती में लाइटनिंग स्टॉर्म और टॉर्नेडो जैसे डिजास्टर इतने बड़े हो जाएंगे कि उन्हें नापने के लिए हमारे पास कोई स्केल ही नहीं होगा। जैसे ही धरती जुपिटर से टकराएगी तब दोनों प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर आपस में मिल जाएगा और टक्कर से जो हीट उत्पन्न होगा उससे धरती की सभी चीजें भाप में बदल जाएगी। धरती का सरफेस पूरी तरह लावा से भर जाएगा और धरती का इनर कोर भी जुपिटर से टकरा के पिघल जाएगा और जुपिटर के कोर तक पहुंचने से पहले ही धरती एटमॉस्फेयर में जलकर जुपिटर में ही मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।